गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज हम बाहुबली और सिम्बा को बात देने लगे हैं क्योंकि वो बहुत गंदे हो गए हैं और जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो है मैंने पहले जो है वो शूट कर लिया था, ठीक है, लेकिन जो है वो मैं दोबारा से ये वाला जो इंट्रो है वो शूट कर रही हूँ क्योंकि हमें बाद में पता चला था कि बाहुबली जो है क्योंकि बाहुबली और सिम्बा को ना लड़ाई करनी नहीं आती, तो बाहर के जो स्ट्रीट कैट्स हैं ना दूसरी, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो आप पेट है ना, ये तो हमारी फैमिली है, तो वो जो है वो मार कुटाई में बहुत तेज़ हैं, तो ये ना उनसे मार खा लेते होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना नेल्स इसने लगवाए हुए थे, स्क्रैचिंग हुई हुई थी, तो उसकी वजह से वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक तो इसकी चोट दिखाऊं, ठीक है, फिर मामा ने उसको क्या लगाया है और आगे भी हम लगाते रहेंगे उसको, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। और सिम्बा जो है उसको तो नहलाना थोड़ा सा इजी है, लेकिन बाहुबली तो हाथ नहीं आता, तो लेट्स सी आगे देखते हैं कि कैसे वो नहाते हैं और उनके जो चोट है ना वो भी आप देखना कि बाहुबली को कैसे चोट लगी है और कहाँ लगी है और उसको कैसे हमने जो है वो मेडिकेशन की है और आगे कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो मामा जो हैं वो अभी बात देने लगी हैं, ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैंने कपड़े वगैरह मेरे चेंज हैं, ठीक है, ये मैंने नहा के जब वो उन्होंने बाथ वगैरह ले लिया था तब मैंने जो है वो चेंज कर लिया, नहा धो के मामा ने भी नहा लिया था, तो इसलिए आपको चेंज लग रहे हैं। जो व्लॉग मैंने उनके नहाने का और चोट का बनाया उसके अंदर मेरे कपड़े और हैं। नहीं तो ये जो गर्दन के नीचे इनके रहते हैं ना पीला पीला, जो खाते हैं ना सालन सालन उसके तो बिल्कुल ही नहीं होते, मुंह तो अभी भी इसका वाओ, वाओ, आज बड़ी ऊंची आवाज निकलती तेरी, वैसे निकलती नहीं है, है, है भाई। रजिया गुंडों में फंस गई, सर्दी बहुत लगती है। अभी बाहुबली को भी हमने नहलाना है, तो मुंह अभी भी गंदा ही है। ऐसे फवारे से हमें नहाना पड़े तो क्या ही बात है, मजा आए मुझे। तो देखो जरा सिम्बा, गनीमत जानो। तो तुम्हें प्यार से इस पानी से देखते अब पाँव उसमें रखती है ना, वो देखो उसमें पानी साफ होते हैं, कितने चिट्टे हो गए पैर, गंद मचाया हुआ इन लोगों ने। आज इनका बर्थडे है, बर्थडे अभी तो बाहुबली की बारी है, सही तो इम्तिहान हमारा तब होना है जब वो आएगा। ये शरीफ इंसान है, ये नहीं चढ़ हुआ मुंह देख, मुंह गंदा है बाकी साफ है। ये देखो अब उसी प्लेट में बैठता है ना जाके, अब फायदा है। कोई ऐसा तरीका नहीं जो हमने आजमाया ना हो। बंद कर दे बेटे पानी, इसको बैठे रहने दो थोड़ी देर। अपने बात हमने दे दिया है और ये देखें थोड़ा कांप रहा है डरने की वजह से, वरना है तो गर्मी। देखें अभी मैं इसको चावल से साफ करती हूँ नहाने के बाद। शिम्बू शिम्बू साफ साफ हो गया। सिम्बा सिम्बा इनका मुंह अभी भी गंदा है, ये देखें
ऐसा इतना नहीं ना करवाता। सिम्बा बाहुबली की तरफ चलते हैं। ये फर्क है इसमें वो काफी देर इसी में रहा और पाँव भी साफ हो गए। ये जो है ना, आप क्या करने करने जा रही हो? बाहुबली को देखने आई हो? ये ना पायोडीन है बेटे, पायोडीन लेके है, मैं लेके आई हूँ। तो फिर लेके आओ कॉटन और पायोडीन। शाजिया बेटा लिया, वो उधर पड़ी होगी जहाँ मेडिसिन पड़ी हैं सारी। नहीं वो मेरा ख्याल है राइटिंग टेबल पे पड़ी है। कॉटन भी लेके आओ, जिसने जो चोटें लगवाई हैं हम इसको जो है बाद में दवाई लगाएंगे। वो दवाई लगाने लगे हैं। कुछ नहीं हुआ तुम्हें? अब शुक्र है प्लेट के अंदर आया है ना, बात नहीं लेना। अब पाँव धुल जाएंगे। हाँ जी, ये देखो हो जख्म दिखा। हाँ दिखा ना। ओए होए, कोई नहीं बेटे, ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये अच्छी बात है, आज पानी में बैठा है, साफ सुथरा हुआ, पेट भी साफ हो गया इसका। तो बुड्ढा हो रहा है, जवान हो रहा है। 7 महीने का बुड्ढा हो रहा है। चोट लगवाई हुई है इसने, लड़ाई हुई थी ना एक दिन, जिस दिन जूता मारा था भाई ने के भाई मत, नहीं नहीं उस दिन का नहीं है ये। हाँ ये लो बहुत ज्यादा है, अभी इसे लगाते हैं दवाई। ये देखें बहुत ज्यादा है। चलो बेटे बंद करके आओ। शुक्र है आज हमने देख लिया। हाँ शुक्र है खुदा का। चलो बंद, पानी गिरा दो ये वाला, इसको ड्राई नहीं करना। ये देखे जख्म गाइस, पानी हम देखे, इसको पायोडीन हमने लगा दिया। वो देख कितने प्यारे, अब ठीक हो जाएगा ये। पायोडीन वाले हो गए सारे। उससे मेरा बेटा भी तो ठीक होगा ना। रोज लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा जी। गाइस तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो है आपने देखा होगा कि बाहुबली को नहलाना बड़ा ही एक टास्क है, तो उसकी वजह से जो है पूरा व्लॉग भी शूट नहीं हो पाता, क्योंकि उस पर 3 लोगों को लगना पड़ता है। बाजी भी लगी हुई थी, मैं भी लगी हुई थी, मामा भी लगी हुई थी, और फिर चोट भी नज़र आ गई, तो हम उसको भी आपको दिखाया है। तो प्रे कीजिएगा कि वो हील हो जाए, ठीक है। पायोडीन वगैरह आपको बताइए कि हमने लगाई है, मामा ने लगाई है, और आगे भी हम लगाएंगे और वो हील हो जाएगा। लेकिन अब इसको ज़्यादा बाहर जो निकालना ना वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि इनको ना मार खाने का पता है, मारने का नहीं पता, और फाइट करने का पता है, लेकिन फाइट होती नहीं है इनसे। तो बस यही है, तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि ये हील हो जाए, क्योंकि लग रहा है क्रिंड आए हुए थे नहलाने से, वो थोड़े से जो हैं वो उतर गए हैं, तो उससे मतलब ब्लड नज़र आ रहा था, लेकिन वैसे अभी जो है हील हो रहा है, तो अब पायोडीन से जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।